हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ईपीआरसी ओरिएंटेशन। तो ये क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके किसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके आईबीओ 2 से रिलेटेड है। आपको स्क्रीन पे थंबनेल लिख करके पता चल ही गया होगा। तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड हो रही हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को पक्का जाकर के चेक करें, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस एक लाइन में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारे चैनल कॉमर्स की पाठशाला में जाकर के विजिट करना है, ठीक है? कॉमर्स की पाठशाला में आप जैसे ही विजिट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा चैनल। देखो, ये हमारा चैनल है कॉमर्स की पाठशाला। आप यहाँ पे जैसे ही आओगे, आपको देखो एमकॉम इग्नू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इग्नू आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक के सारे कोर्सेज के प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप इनको वॉच करोगे, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। उसके पहले कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स टॉक अबाउट द ईपीआरजी ओरिएंटेशन, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो ईपीआरजी ओरिएंटेशन, ईपीआरजी का फुल फॉर्म है, ई का मतलब होता है इथोसेंट्रिक, पी का मतलब होता है पॉलीसेंट्रिक, आर का मतलब होता है रीजियोसेंट्रिक, एंड जी का मतलब होता है जियोसेंट्रिक, है ना? तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको ये ईपीआरजी ओरिएंटेशन नाम कैसे पड़ा और ये क्या है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अ कंपनी इज कंसीडर्ड टू फॉलो एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन इन इट्स इंटरनेशनल ऑपरेशन व्हेन इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट एंड कंसीडर्स दैट टेक्निक व्हिच आर अप्लाइड टू द डोमेस्टिक मार्केट कैन बी अप्लाइड इक्वली इफेक्टिवली इन द ओवरसीज मार्केटिंग ऑल्सो। देखो, यहाँ पे जो बात बोली गई वो बहुत ही सिंपल सी है कि मार्केटिंग आप अगर इंडिया में कर रहे हो तो आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी। जब आप किसी और मार्केट में जाओगे, जब आप पाकिस्तान के मार्केट में जाओगे या फिर यूएस के मार्केट में जाओगे या चाइना के मार्केट में जाओगे, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर आपकी सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तो हम उसे कहेंगे एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। यही बात यहाँ पे बोली गई कि एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन जो होता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस में, उसे कहते हैं जब आप किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और पॉलिसी, कि आपका जो पॉलिसी आपका डोमेस्टिकली काम करता है वही पॉलिसी जो है आपका फॉरेन मार्केट में भी काम करेगा, वही टेक्निक भी आपका फॉरेन मार्केट में भी काम करेगा, है ना? तो इसे हम कहेंगे एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अब बात कर लेते हैं पॉलीसेंट्रिक के बारे में। तो पॉलीसेंट्रिक फेज इज दैट ईच ओवरसीज मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दैट लोकल टेक्निक्स एंड द पर्सनल आर बेस्ट सूटेड टू डील विद द लोकल कंडीशन। अब पॉलीसेंट्रिक देखो, एथनोसेंट्रिक से अलग हो गया, अलग क्या, ठीक उसका उल्टा हो गया। एथनोसेंट्रिक में बोला जा रहा था कि डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों में जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, जो स्टाइल होगा काम करने का, वो सेम होगा। लेकिन पॉलीसेंट्रिक में बोला गया कि हर एक मार्केट एक दूसरे से अलग होता है। इंडियन मार्केट डोमेस्टिक मार्केट ओवरसीज मार्केट से डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो आपको उस मार्केट में जब आप काम करने जा रहे हो, फॉरेन मार्केट में जब आप काम करने जा रहे हो, तो आपको वहां पे एक डिफरेंट टेक्निक के साथ, वहां की टेक्निक के साथ और वहां के लड़कों के साथ, वहां के जो पर्सनल होंगे उनके साथ मिल करके आपको जो है वहां की लोकल कंडीशंस के में जो है आपको काम करना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे पॉलीसेंट्रिक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ रीजियोसेंट्रिक। सो रीजियोसेंट्रिक फेज रिकॉग्नाइजेस द कॉमन फीचर ऑफ अ रीजन एंड डिसाइड्स रीजनल स्ट्रेटजीज व्हाइल जियोसेंट्रिक। अच्छा, पहले इसको कर लेते हैं। तो रीजियोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा? देखो, नाम से पता चल रहा है कि रीजन की बात की जा रही है। मतलब सपोज एक रीजन है, जैसे कि गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज है जिनको मिलाकर के गल्फ कंट्रीज बोला जाता है। तो वहां पे काम करने का तरीका, वहां का कल्चर, वहां का रिलीजन, वहां का रियो सोसाइटी, तकरीबन सबका सब एक ही किस्म का है। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हो तो आप एक कंट्री को टारगेट नहीं करोगे, आप सिर्फ सऊदी को या यूएई को टारगेट नहीं करोगे, आप कतर को टारगेट करोगे, है ना? वहां पे जितनी भी गल्फ कंट्रीज है आप उन सबको टारगेट करोगे। तो आप एक रीजन को टारगेट कर रहे हो। तो जब भी आप एक रीजन को टारगेट करोगे तो उसे हम कहेंगे रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वेयर एज अगर हम जियोसेंट्रिज्म की बात करें तो जियोसेंट्रिज्म ट्रीट्स द होल वर्ल्ड एज ए होल वन मार्केट। तो जियोसेंट्रिज्म में कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक मार्केट है, एक ग्लोबल विलेज है, एक ग्लोबल मार्केट है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी जो भी आप स्ट्रेटेजी पर अपना रहे हो उसके हिसाब से आप काम करो। आप ये नहीं सोचोगे कि आपका इंडिया भी एक मार्केट है अगर आप इंडिया के हो तो, आपका मार्केट पूरी दुनिया है,
आई होप कि आपको डिफरेंस अब में समझ में आ गया होगा। एथनोसेंट्रिक मतलब ना आप डोमेस्टिक में फर्क कर रहे हो ना आप फॉरेन में फर्क कर रहे हो, है ना। पॉलीसेंट्रिक जहाँ पे आप फर्क कर रहे हो, रीजियोसेंट्रिक जहाँ पे आप किसी रीजन के बारे में सोच करके कर रहे हो, और जियोसेंट्रिक में तो आप फर्क ही नहीं कर रहे, आप सबको बोल रहे हो कि ये पूरा का पूरा दुनिया ही मेरा मार्केट है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ईच ऑफ द एवर मेंशन ओरिएंटेशंस हैज इंप्लीकेशंस ऑन द वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस। लेट अस एग्जामिन द इंप्लीकेशंस ऑफ ईच ओरिएंटेशन इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यही बात बोली जा रही है कि हर एक जो चार मैंने आपको गिनाए हैं, इन चारों का अपना अपना एक महत्व है, इन चारों का अपना अपना एक इम्प्लीकेशन है। तो किस तरीके से ये इम्प्लाई होता है, किस तरीके से ये मार्केट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। चलते हैं एक डिटेल्ड इसके बारे में, फिर आपको देखना ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है सबसे पहले हम करेंगे एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, डिटेल में पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि जनरल आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस फेज द फर्म्स ऑपरेशंस ओवरसीज आर जनरली कंसीडर्ड सेकेंडरी टू डोमेस्टिक ऑपरेशंस एज प्राइमरी एज मींस टू डिस्पोज ऑफ डोमेस्टिक सरप्लस प्रोडक्शन। देखो एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि आपका जो मार्केट है, जो लो डोमेस्टिक मार्केट है, वैसा ही फॉरेन मार्केट भी है, और वहां पे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेटेजी या फिर आप नहीं अपना रहे हो। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपने सपोज आपके इंडियन लोगों को, आपके आपके कंट्री के लोगों को सपोज 100 प्रोडक्ट चाहिए थे, आपने बना दिए 150। तो जब 100 आपने बना दिए तो 100 तो आपका इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने 50 बनाए हैं उसका आप क्या इस्तेमाल करोगे। अब आप उसको फॉरेन जब लेकर के जाओगे तो आप अलग स्ट्रेटेजी से तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास टाइम भी नहीं है इतना करने का। तो आपने क्या बोला कि मैं जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बनाया हूँ, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है डोमेस्टिकली, जिस भी तरीके से उसको बेचा गया, उसी तरीके का, उसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल मैं फॉरेन कंट्री में भी करूंगा। सिंपली कुछ बदलाव नहीं, चुपचाप इस प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में लेकर के जाओ और बेच दो। इस तरह के सिचुएशन में एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन जो है इस्तेमाल में लाया जाता है या फिर होता है, ठीक है ना। अंडर सच सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज। आई एम सो सॉरी यार, ये तो पूरा ही हो गया, रुको जरा सा इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। हाँ चलो हो गया। So under such situation, international marketing activities are normally controlled from home country office and the plans for overseas operations are developed in the home office. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपने होम मतलब अपने कंट्री में रह करके किसी और कंट्री में जाकर के बिजनेस के बारे में सोच रहे हो और एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन आप अपना रहे हो, तो जो भी प्लान्स आप बना रहे हो आप अपने होम कंट्री से बना रहे हो, आप कंट्रोल अपने होम कंट्री से कर रहे हो, जो भी ऑपरेशंस ओवरसीज होनी चाहिए वो सारी की चीजें, सारी की सारी चीजें, चाहे वो किसी भी तरह का डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी चीजें आप अपने होम ऑफिस से बैठ बैठ करके कर रहे हो। मतलब ओवरसीज मार्केट का जो एक एक तरीका होता है काम करने का, आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको बस अपने प्रोडक्ट को ओवरसीज मार्केट में बेचना है, राइट। ओवरसीज मार्केट इज नॉर्मली लुक्ड आफ्टर बाय एन एक्सपर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द फर्म। ओवरसीज मार्केट जो होता है वो डेफिनेटली कोई एक्सपर्ट आदमी ही इसको चेक करेगा, है ना। तो मार्केटिंग पर्सनल वुड बी मोस्टली होम कंट्री नेशनल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केटिंग पर्सनल जो है वो होम कंट्री का होगा, वो विदेश कभी गया नहीं है, विदेश के बारे में उसको आइडिया नहीं है, बट वो मार्केटिंग पर्सनल है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन बना रहे हो। All policies and procedures developed for international marketing would be more or less identical to those applied in the domestic market, and very little of the overseas marketing research would be done. तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मार्केटिंग पर्सनल होगा वो अपनी कंट्री में रह करके काम करेगा, तो वो क्या करेगा, जो भी तरीके, जो भी स्ट्रेटेजी उसने अपनाई थी अपनी कंट्री में उस चीज को बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेम स्ट्रेटेजी वो जो है विदेशों में बेचने के लिए बनाएगा। उसमें थोड़े बहुत वो चेंजेस कर सकता है ओवरसीज मार्केट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बहुत ज्यादा वो चेंजेस नहीं करेगा, और वो रिसर्च भी बहुत ज्यादा नहीं करेगा कि किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को विदेशों में बेचूं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन की बात हो रही है। There would be hardly be any difference in the product. Product में शायद ही कोई difference होगा, उसके price में शायद ही कोई distribution difference होगा, distribution, promotion, strategy, सब कुछ जो है एक तरीके से domestic market और overseas market का same होने वाला है। Such companies are known to rely heavily on export agents and their sales from is mostly from hired and trained in the home country. है ना। तो ये जो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जो कि एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के को इस्तेमाल में लाते हुए अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, उनका जो मेन इनकम होता है, उनका जो मेन टारगेट होता है, वो ये होता है कि जो भी वहां पे उनके एजेंट्स हैं उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करें, है ना, ताकि उनको जो है फायदा मिल पाए। तो वहां पे उनके अपने हायर्ड एंड ट्रेंड वहां पे होते हैं सेल्स पर्सन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो कि उनके प्रोडक्ट को वहां पे सेल करते हैं। तो एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में ये सारी चीजें
होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या होता है भाई? तो मैंने बताया पॉलीसेंट्रिक जो होता है वो एथनोसेंट्रिक से अलग होता है। यहाँ पे यही एक मार्केट को दूसरे मार्केट से अलग समझा जाता है और कंट्री बाय कंट्री ये जो है यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो फर्म्स विद दिस ओरिएंटेशन आर नोन टू ऑर्गेनाइज देयर इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑन अ कंट्री बाय कंट्री बेसिस। तो इसमें जो भी फर्म्स काम कर रही होती है पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन के तहत, वो जो है हर एक कंट्री को अलग समझती है और कंट्री बाय कंट्री जो है वो लोग अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर एक्टिविटी वो लोग बनाती है। ईच कंट्री इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। डेफिनेटली सब्सिडीज आर एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द ओवरसीज मार्केट्स, सच इज अ सब्सिडियरी ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स हैविंग इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, है ना। तो सब्सिडियरीज बनाई जाती है और हर एक सब्सिडियरी का अपना अपना यू नो टारगेट होता है, उनका अपना काम करने का तरीका होता है, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम करती है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कनेक्शन होम कंट्री के साथ आपका नहीं है। आपने बस वहां पे अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल करके आप वहां पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, है ना। स्ट्रेटजीज आर वर्कड आउट सेपरेटली फॉर ईच कंट्री, बी दे इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, है ना। तो हर एक कंट्री में जब आप काम कर रहे हो तो वहां पे काम करने के लिए जो प्रोडक्ट मिक्स होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, इसको आप हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इस्तेमाल में लाओगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, राइट। मार्केटिंग रिसर्च इज डन इंडिपेंडेंटली इन ईच कंट्री। जो मार्केटिंग रिसर्च होती है वो हर एक कंट्री में अलग अलग इंडिपेंडेंटली करवाई जाती है, ठीक है ना। पॉलीसेंट्रिक के मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन से अलग है, हर एक मार्केट हर एक दूसरे से अलग है। द सेल्स फोर्स वुड बी मोस्टली लोकल नेशनल्स। अब यहाँ पे जो लोकल नेशनल्स होंगे वही आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यहाँ पे एजेंट का काम नहीं रह जाता क्योंकि आप जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो या फिर जो भी आप प्राइस रख रहे हो वो आप उसी कंट्री के लोगों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा यू नो एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन का ये एक फायदा हमारा है, ठीक है ना। अब चलते हैं रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के बारे में। तो रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी रीजन को ध्यान में रखते हुए जब आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करते हो, तो उसे हम रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन कहेंगे। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस फेज द फर्म रिकॉग्नाइजिंग द कॉमन फीचर्स ऑफ अ रीजन व्यूज दैट रीजन एज अ वन मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेस एक्टिविटीज फॉर वन रीजन एज अ होल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने किसी रीजन को रिकॉग्नाइज करते हो, जो भी वहां का कॉमन फीचर है आप उसको पकड़ते हो, जो भी वहां के व्यूज हैं उस रीजन के बारे में, उस मार्केट मार्केट के बारे में, उस पूरे के पूरे मार्केट को आप एज ए होल, एज ए एक मार्केट आप समझ करके वहां पे जो हो अपना प्रोडक्ट को लेकर के जाते हो और बेचते हो, ठीक है ना। मार्केटिंग पर्सनल आर रिक्रूटेड फ्रॉम द रीजन। आप जब आप रीजन में बेच रहे हो तो रीजन से आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक कंट्री से रिक्रूट करना होगा, आपको उस रीजन में किसी भी कंट्री से आप रिक्रूट कर लोगे तो आपको आसानी होगी क्योंकि हर एक कंट्री जो एक दूसरे से बहुत ही मेल खाती है ना। इसलिए हम इसको रीजियोसेंट्रिक बोल भी रहे हैं क्योंकि रीजन में पड़ रही है, राइट। So regional channels of distribution are developed with and policies in respect of other areas such as product, price, promotion have a regional orientation, है ना। तो जो भी आपका orientation होगा definitely वो पूरी तरह से जो है region को base करके होगा। आपका जो भी price, product, promotion, you know, इन सब चीजों के mix का जो आप बनाओगे वो पूरी पूरी की पूरी तरह से जो है region को आपको देख करके region-centric you know orientation को देख करके आपको सारी की सारी planning जो है यहाँ पे करनी होती है, तो इसको हम कहेंगे रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट व्हिच इज जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, ठीक है। सो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ दिस ओरिएंटेशन इज दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक। जियोसेंट्रिक में यही होता है कि उनका कहना है कि सारे के सारे लोग जो हैं एक हैं, पूरी की पूरी दुनिया एक है, पूरी का पूरा दुनिया का जो मार्केट है वो एक है। द एंटायर वर्ल्ड इज ट्रीटेड एज वन मार्केट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट लाइंस आर डेवलप्ड एंड प्राइसिंग एस्टैब्लिश्ड ऑन अ वर्ल्ड क्लास बेसिस। आप एप्पल को एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, राइट। हर एक जगह पर उसका प्राइस आपको सेम मिलेगा, करेंसी वाइज आपको थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन प्राइस आपको तकरीबन हर जगह पे सेम मिलता है। तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है और वो पूरी दुनिया को एज ए मार्केट वो देख रहा होता है, तो उसको अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से बहुत ही स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ग्लोबल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एस्टैब्लिश्ड एंड प्रमोशनल पॉलिसीज डेवलप्ड टू प्रोजेक्ट अ यूनिफॉर्म इमेज ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट्स, है ना। तो जो भी प्रमोशन पॉलिसी अपनाई जाती है वो प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया में सेम किस्म की होती है ताकि उनका जो इमेज है वो यूनिफॉर्म लगे, एक किस्म का लगे और उसका प्रोडक्ट का जो है एक तरीके से जो भी इमेज है वो एक किस्म का लगे तो लोग जो है उसको खरीदें, पूरी दुनिया में जो है उसकी एक तरीके से पहचान बने।
मार्केटिंग पर्सन आर रिक्रूटेड फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल ले लो, गूगल का एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है, ये जियो सेंट्रिक ऑरियंटेशन है, जियो सेंट्रिक मार्केट है, जहाँ पे ये पूरी दुनिया को एक मार्केट के रूप में देखती है और इसकी इम्प्लॉयज जो है पूरी दुनिया से है। ऐसा नहीं है कि इसकी इम्प्लॉयज सिर्फ इंडिया से है या यूएस से है, पूरी दुनिया से इसमें इम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको ईपीआर जो ओरिएंटेशन के बारे में बताया है। अगर पसंद आया है तो भाइयों प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो यार, और दोस्तों के साथ शेयर करो। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप शेयर मार्केट में जाकर के यू नो फ्री में आप अकाउंट खोल सकते हैं एंजल वर्ल्ड में, जिसके साथ टाई अप है हमारा, एंड आपको 1 रुपया भी वहां पे पेमेंट नहीं करना है। अकाउंट खोलने का प्रोसेस बहुत ही हैसल फ्री है, आपने कॉल करना है, आपने एप्लीकेशन डालना है, आपके पास कॉल आ जाएगी, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो ऑनलाइन फिलअप करना है, सारी की सारी जानकारी जो है आपको उसके उनके वेबसाइट पे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड आपको अप्लाई कर लो, उसको खोल लो। खोलने के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से आपको वहां पर पैसे डालने हैं और किस तरीके से आप मार्केट में जाकर के उन शेयर्स जो अच्छे शेयर्स हैं आप उनको खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।